बीजेपी की संकल्प रैली यानी कि एनडीए की पटना रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। बिहार के लोग रास्ता दिखा रहे हैं, इस रैली में 15 से 20 हजार लोग ही पहुंच पाए। बता मोदी जी, बिहार में शहीदों की चिता ठंडी भी नहीं हुई। एक शहीद का पार्थिव शरीर अभी अभी आपकी रैली से मात्र 2 घंटे अनन फनन में लाया गया था, ताकि रैली में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। उस पराक्रमी वीर जवान का पार्थिव शरीर पटना में ही और आप अपनी राजनीति चमकाने बिहार की महान धरती पर पहुंच गए। आपको शायद नहीं पता मोदी साहब, बिहार के लोग बहुत जागरूक है, वो आपकी जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं है। आपने पहले जो वादा किया उसका क्या हुआ मोदी जी? केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, लेकिन अभी भी अपराध, बलात्कार और भ्रष्टाचार चरम पर है। आपकी पार्टी के मंत्री बलात्कार में लिप्त है। नरेंद्र मोदी जी, वैसे आप किस मुंह से बिहार आए हैं, ये सवाल जनता आपसे पूछना चाहती है। वहीं जब सरकार शहीदों के बदले वोट मांगने लगे तो समझ लीजिए सरकार निकम्मी है। वहीं मोदी जी ने कहा था कि मित्रों, मैंने 2014 में ही कहा था ना कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय वायुसेना की आतंकियों पर कार्रवाई के बाद मोदी जी ने एक रैली में अपने भाषण की शुरुआत कुछ ऐसे की। बता दें कि जनता झूम उठी, जय जयकार करने लगी। ये जनता भूल चुकी है कि देश तभी झुक गया था जब सरकार की नाकामी की वजह से सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। देश तब भी झुक गया था जब पिछले साल 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। देश तब भी झुक गया था जब सीबीआई, आरबीआई जैसी संस्थाओं पर हमला किया गया। देश तब भी झुक गया था जब नीरव मोदी, मेहुल भाई और विजय माल्या देश का हजारों करोड़ लेकर फरार हो गए। लेकिन देश जब झुकने लगे तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का माहौल बना देना चाहिए, उससे देश उठ जाता है। वायुसेना की कार्रवाई के बाद ही लोगों का उन्माद सोशल मीडिया पर बहने लगा। लोग पाकिस्तान को नक्शे मिटाने की बात करने लगे। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा, आखिरकार जब आतंकवादियों ने जवानों को मारा और जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया, तो क्या ना अब चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जाए और मोदी जी से सवाल किया जाए। सेना का इस्तेमाल वोट के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी इस पर भी सियासी खेल खेल रही है। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा गिराए गए बम का धुआं पाकिस्तान से होते हुए चैनलों और रैलियों में पहुंच चुका है, जिसमें आपके सारे मुद्दे गायब कर दिए गए। अब इस धुएं में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक मोदी नजर आएगा। भले ही आपके पास नौकरी ना हो, लेकिन पाकिस्तान को गाली देते रहिए। बता दें, मोदी सरकार कल बिहार में चुनाव रैली कर रहे थे और मीडिया मोदी को कवरेज कर रहे थे। मोदी जनता के सामने झूठे वादे करते नजर आ रहे थे। बता दें, बिहार के लोग और जनता मोदी की असलियत जान चुकी है और वो समझ चुकी है कि मोदी सब जुमलेबाजी करना जानते हैं। इससे पहले भी बिहार में झूठे वादे कर चुके हैं। जब मोदी अपना भाषण दे रहे थे तो सुनने वाले कम थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। तरीके से गोदी मीडिया मोदी के चुनाव में भीड़ को दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी की ये रैली टाई टाई फिस हो चुकी है। सड़क के एक तरफ की लेन पर पैदल लोग गांधी मैदान की ओर जा रहे थे, जहां एनडीए ने संकल्प रैली बुलाई थी। लेकिन उन पोस्टरों और झंडों में सबसे अधिक जेडीयू के दिख रहे थे। हालांकि हर पोस्टर में मोदी थे, लेकिन सबसे अधिक पोस्टर और झंडे तीर के निशान वाले दिखे। आपको बता दें, जो लोग संकल्प रैली में भाग लेने के लिए गांधी मैदान की ओर जा रहे थे उनमें से हर किसी के हाथ में जेडीयू का झंडा था। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के चुनावी रैली में जनता का ना पहुंचना
किस तरीके का संकेत है। कुछ ही हाथों में बीजेपी के झंडे दिखे, स्थानीय मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि जेडीयू ने भाजपा की रैली को हाईजेक कर लिया है। लेकिन बात कुछ और है। बीजेपी की चुनावी रैली में जनता का ना पहुंचना और भीड़ एकजुट ना होना, ये साफ संकेत करती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।